हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फार्मेसी। कुछ टर्म्स ऐसे फार्मेसी में यूज़ किए जाते हैं जो कि स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट टर्म्स है आपका एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक इज अ सबस्टेंस दैट रिड्यूस पेन, मीन्स एनाल्जेसिक वह सबस्टेंस होता है जो दर्द को कम करता है। मीन्स एनाल्जेसिक ड्रग दर्द को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर कहीं पे एनाल्जेसिक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह ड्रग दर्द को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपका एनेस्थेटिक, अ सबस्टेंस दैट मेक्स यू अनकॉन्शियस। एनेस्थेटिक्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अनकॉन्शियस मीन्स बेहोशी की अवस्था। जैसे कोई सर्जरी करना है, माइनर सर्जरी करना हो या मेजर सर्जरी करना हो, तो उस केस में एनेस्थेटिक्स यूज़ किया जाता है जिससे कि पेशेंट को पेन ना हो। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपका एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट इज़ द ड्रग दैट यूज टू डिक्रीज और प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। एंटी कोगुलेंट्स अगर कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वह ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को रोकते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटी इमेटिक, अ ड्रग दैट प्रिवेंट और रिड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग। अगर किसी ड्रग पे एंटी एमेटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वह ड्रग वोमिटिंग को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर वोमिटिंग हो रही है, उस केस में एंटी एमेटिक ड्रग दिए जाते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपका एंटी पायरेटिक, मीन्स अ सबस्टेंस दैट रिड्यूस पेन। एंटी पायरेटिक बहुत ही कॉमन टर्म्स है। यह उस केस में यूज़ किया जाता है जब फीवर हो, मीन्स फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स यूज़ किए जाते हैं। तो अगर कहीं पे एंटीपायरेटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वह ड्रग फीवर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका टर्मिनोलॉजी है एंटी स्पाज्मोटिक, ड्रग यूज टू रिलीव और प्रिवेंट मसल स्पाज्म। एंटी स्पाज्मोटिक वह ड्रग्स होते हैं जो मसल स्पाज्म को कम करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपका बैक्टीरियासाइडल, अ ड्रग दैट डिस्ट्रॉय आर किल बैक्टीरिया। अगर कहीं बैक्टीरियासाइडल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह सबस्टेंस या वह केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो क्या होते हैं, बैक्टीरियासाइडल। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बैक्टीरियोस्टैटिक, ड्रग दैट स्लो डाउन आर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर कहीं पे बैक्टीरियोस्टैटिक लिखा हुआ है टर्म्स, इसका मतलब क्या हुआ, वह सबस्टेंस बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है ना, उसको कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। साइडल मीन्स किलिंग और स्टैटिक मीन्स रोकना, इनहिबिट। तो ये दो टर्म्स ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन टर्म्स हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो बैक्टीरियासाइड और बैक्टीरियोस्टैटिक ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपका क्रॉनिक, इट मींस एन इनलेस दैट परसिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई डिजीज़ लंबे समय तक रह रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉनिक डिजीज़। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपका कम्युनिकेबल, इट मींस इलनेस आर ओआर आर डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेबल टू अदर। ऐसे डिजीज़ जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाते, मींस अगर एक पर्सन को कोई डिजीज़ हुआ है और वो किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में है, तो वो डिजीज़ अगर ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे पर्सन को, तो उस टाइप के डिजीज़ को क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपका डाई यूरेटिक,
इट मीन्स ड्रग्स दैट इंक्रीज द बॉडी यूरिन डिस्चार्ज फ्लो, यूरिन के डिस्चार्ज को अगर कोई ड्रग बढ़ा रहा है इसको क्या बोलेंगे, डाई यूरेटिक्स। नेक्स्ट है आपका लैक्सेटिव, इट मीन्स इट इज़ अ सबस्टेंस दैट प्रमोट बॉल मूवमेंट। लैक्सेटिव कॉन्स्टिपेशन के केस में यूज़ किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो स्टूल है वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है, उस केस में लैक्सेटिव यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है, स्टूल मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है और उसका मूवमेंट बढ़ जाता है, जिससे वो क्या होता है बॉडी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ओटीसी ड्रग। ओटीसी मींस ओवर द काउंटर ड्रग। ये वो ड्रग हैं जो कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के दिए जाते हैं। अगर किसी मेडिकल स्टोर पे जाके आप कोई ड्रग मांग रहे हैं, अगर वो मिल जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो ओटीसी ड्रग है। और प्रेस्क्रिप्शन ड्रग क्या होते हैं, ऐसे ड्रग होते हैं जो बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दिए जाते पेशेंट को, उसको क्या बोलते हैं, प्रेस्क्राइब्ड ड्रग। ये तो रहे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, बट स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा और इसको बुक नोटबुक में राइट कर लीजिएगा, ताकि आपको कहीं इस तरह से टर्मिनोलॉजी पढ़ाते टाइम या बुक में मिले तो आप उस टर्मिनोलॉजी को समझ लें कि वो टर्मिनोलॉजी क्या है। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है या समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।